सब्सक्राइब करें उधम मैस लांग जी चैनल को, दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ट्रैक्टरों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं सोनालिका DI-55 बिल्कुल न्यू है, आज लिया है एजेंसी से, सीधा खेत में है, जो अपना पूजन वूजन करके उसके बाद सीधा खेत में ट्रैक्टर आया है और फिलहाल यहाँ पे इसकी ट्रायल ले रहे हैं, खोल रहे हैं ट्रैक्टर को। देख सकते हो आप, जो हमारे भाई हैं मेरे पड़ोस गांव से हैं, उन्होंने ये ट्रैक्टर लिया है जो हमने आपसे पहले डेमो दिया था मित्रोल औरंगाबाद में। उस वीडियो को देख करके भाई का मन था स्वराज 855 लेने का, तो जो उन्होंने ट्रैक्टर देखा DI-55 का कमाल, तो दोस्तों फिर उन्होंने DI-55 लिया है, स्वराज 855 को कैंसिल कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी दर्शक खड़े हुए हैं। फिलहाल नया ट्रैक्टर है, सीधा खेत में चलाया जा रहा है और जो हमारे यहाँ का जंगल है, जो भूड़ है, वो भूड़ का खेत है, देख सकते हो, जिसमें ट्रैक्टर के जो RPM होते हैं, टायरों के चक्कर होते हैं, कम हो जाते हैं स्लिप काट के, फिर भी ट्रैक्टर की चाल देख सकते हो आप, ओवरलोड है, खोल रखी है, खोलने के हिसाब से जैसे ट्रैक्टर को खोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी गहरी हैरो लगी हुई है, ये देखिए आप, बोबला बना दिया खेत को, गीला खेत है, बारिश हुई थी और मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि डेमो कैंसिल हो गया, तो दोस्तों वो डेमो यहीं होने वाला था, बारिश हो गई थी उस वजह से वो डेमो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने डेमो नहीं लिया, फिर भी डायरेक्ट ट्रैक्टर एजेंसी से ले लिया, विश्वास था सोनालिका के ऊपर। तो हम जो ट्रैक्टर के ऑनर है, जो ट्रैक्टर मालिक है, हम उनसे दो बात करेंगे, वो बताएंगे उनका ट्रैक्टर का मन, उनका ट्रैक्टर लेने का मन कैसे बना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? नाम लोकेश शर्मा जी। लोकेश शर्मा, लोकेश शर्मा, आपसे पहले कौन सी कंपनी के ट्रैक्टर थे आपके पास? पहले हमने फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर चलाए थे। फार्म ट्रैक का? हाँ जी। कौन सा? 35 था जी, चैंपियन 39 HP वाला। 39? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये डैडी बोल रहे थे कि 855 लेना है। कौन बोल रहे थे? आपके डैडी बोल रहे थे? हाँ, आप, मेरे डैडी बोल रहे थे कि 855 लेना, मैंने बोली नहीं DI-55 लेना है। तो आपका 855 का मूड कैसे बदला, जो ये आपने सोनालिका DI-55 लिया, आपका कैसे मन बना? सरदार जी भी बोल रहे हैं कि मुँह हमारे पास आते हैं, सरदार जी 10 साल से बोल रहे हैं 855 भी लेकर आते हैं हर साल। जी जी जी, बोल रहे थे 855 नहीं लेना, मैंने बोला ना 855 नहीं लेना, DI-55 लेना है। जी, तो आपका DI-55 लेने का कैसे मन बना? आपके YouTube पे हमने देखी वीडियो। अच्छा, जो हमने वो डेमो दिया था वो वीडियो देखी थी? हाँ, उसकी वीडियो देखी, पर उसकी वजह से फिर ले लिया ये DI-55। तो अब आप देख रहे हो, जैसे आपने अब से पहले फार्म ट्रक यूज किया, तो आज ये ओवरलोड हैरो में चल रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जैसे नया नया अभी तक 1 घंटा भी नहीं चला था, डायरेक्ट खेत में चला हुआ है। हाँ। और जैसे चलने के बाद में कैसा चल रहा है? आपके पापा ही चला रहे हैं इसको? हाँ, मेरे पापा ही चला रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हो, लोकेश शर्मा जी बोल रहे थे आपसे पहले इनके पास फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर था और जो इनके पापा जी हैं वो कह रहे थे 855 लेने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने हमारे चैनल पर वीडियो देखी, डेमो देखा, तो इन्होंने 855 कैंसिल किया, उसके बाद इन्होंने सोनालिका DI-55 लिया है आज ही। तो दोस्तों देख सकते हो सोनालिका का इतना विश्वास है लोगों को, बिना डेमो के, जिस दिन मैंने आपको बताया था अगर डेमो कैंसिल हो गया, वो डेमो इसी गांव में होने वाला था, यही भाई डेमो लेने चाह रहे थे लेकिन बारिश हो गई थी, वो कैंसिल हो गया, फिर भी इन्होंने सोनालिका पे विश्वास था, फिर भी सोनालिका उन्होंने लिया है। देख सकते हो आप सोनालिका DI-55 जो 4087 cc के साथ आता है और 240 Nm टॉर्क के साथ, जो फिलहाल इसको चला रहे हैं, इसके डैडी हैं, पापा हैं, वो चला रहे हैं, देख सकते हो आप। ये देखिए, काफी हैरो लगी हुई है। ये देखिए आप, हैरो के ऊपर कर माटी उतर रही है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों जो हमारे भाई खड़े हैं सामने, हमारे नरेश शर्मा जी हैं, इनके पास भी ट्रैक्टर है, बड़े जमींदार हैं, इन्होंने इस ट्रैक्टर की भी ट्रायल ली थी। तो भाई शर्मा जी कैसा चला ट्रैक्टर?
ट्रैक्टर बढ़िया है जी और दमदार ट्रैक्टर है, अभी तो नया ट्रैक्टर है वैसे जी। जैसे नया ट्रैक्टर है अभी बिल्कुल नहीं खुला है, 50 घंटे पे सर्विस बताई है, उस 50 घंटे से पहले पहले जो अपना ये परफॉर्मेंस दिखा रहा, कैसा दिखा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हो आपके कौन सा ट्रैक्टर है? महिंद्रा 275। तो दोस्तों भाई के पास महिंद्रा 275 हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, इनके पास भी ट्रैक्टर हैं और अब से पहले कई ट्रैक्टर इन्होंने यूज कर लिए हैं, ये भी ट्रैक्टर के बड़े शौकीन हैं, फैन हैं। तो ये बता रहे हैं जैसे ट्रैक्टर नया नया आया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, देख सकते हो। और एक हमारा दूसरा भाई है, उसने भी ट्रैक्टर का ट्रायल लिया है। तो दोस्तों ये हमारे हेमराज जी हैं, इन्होंने भी ट्रैक्टर की ट्रायल ली है, इनके पास भी सोनाले का DI-50 है, इनका मन था 55 का ट्रायल लेने का, तो इन्होंने सोनाली का DI-55 का ट्रायल लिया। कैसे कैसे चला भाई ट्रैक्टर? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे आप शुरू शुरू में चला रहे हो, उसको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, पावर में तो है ही, वैसे अभी जैसे ट्रैक्टर खुला नहीं है, नया है, पिस्टन नोजल सब चीज नहीं है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्म दिखा रहा मतलब। अच्छा, तो दोस्तों हमारे हेमराज जी हैं, वो बता रहे हैं जैसे ट्रैक्टर नया है, नया ट्रैक्टर होने के कारण अभी सब सौदा फिक्स है, गियर बॉक्स से लेकर इंजन तक सारे जो पार्ट्स हैं वो भी फिक्स हैं। वो बता रहे हैं जैसे नया ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बहुत अच्छी खिंचाई कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ भूट खेत है और ट्रैक्टर कितना स्लिप काट के चल रहा है, ये देखिए जमीन का तो फर्क है ही है, टाइट जमीन है तो ट्रैक्टर और कुछ जवाब देगा चलने में, बिल्कुल स्लिप काट के चल रहा है, देख सकते हो। जो ट्रैक हैरो है उसकी जो गुड़िया है उस पर माटी उतर के चल रही है, क्योंकि हैरो में तय कम है। बिल्कुल खोल के चल रहा ट्रैक्टर जैसे नया है, ये दोस्तों आज लिया है, इन्होंने मेरे चैनल पर वीडियो देखी, वीडियो देखकर इनका जो मन है वो ठोस हो गया, खुश हो गए वीडियो देख करके, इन्होंने इनका मन था स्वराज 855 लेने का। तो दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी